कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जहां पर सामने वाला देश एक बहुत ही फ्रेंडली देश होता है जिसके साथ बहुत ही फ्रेंडली टाइज होते हैं। थोड़ी देर के लिए दोस्ती को साइड के ऊपर रखकर अपने देश के हितों को प्राथमिकता देनी पड़ती है एंड ऐसे फैसले लेने में मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं हिचकती है। पिछले कुछ समय से हम नोटिस कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत के बेहद क्लोज आ गया है। रिसेंटली यूएई ने भारत के जम्मू कश्मीर में भी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट शुरू की है। यूएई द्वारा जम्मू कश्मीर में मॉल्स बनाए जा रहे हैं, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ यूएई ने पिछले साल एक डायरेक्ट फ्लाइट की भी शुरुआत की है जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के लोग डायरेक्टली श्रीनगर से यूएई पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यूएई ने भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। उससे पहले यूएई ने साल 2019 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपना सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया था। कहने का मतलब है कि यूएई के साथ भारत के बहुत ही फ्रेंडली टाइज हैं। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने यूएई की एक रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके अपना फैसला यूएई को बता दिया है। अब सोचने वाली बात है कि यूएई ने इतनी बड़ी कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट कर दी थी जो भारत पूरी नहीं कर पाया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मातृभूमि.com के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल हुआ क्या कि यूएई और इंडिया के बीच ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत के लोगों के लिए यूएई का वीजा 7,400 इंडियन रुपीज से स्टार्ट होता है एंड यूएई ने भारत के ट्रैवलर्स के लिए वीजा ऑन अराइवल सर्विस रखी है जिससे भारत के लोगों को एक लंबे वीजा अप्रूवल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। भारत में मिडिल क्लास के लोग तेजी से अपर मिडिल क्लास में एंटर हो रहे हैं। घूमने फिरने के लिए फॉरेन कंट्रीज जाने वाले लोगों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है एंड यूएई का दुबई भी भारत के लोगों की एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है जो लग्जरी के लिए जाना जाता है। अब अगर लोगों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो ऑब्वियस है कि फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और एक सेक्टर में ज्यादा सीट्स अलॉट करनी पड़ेंगी वरना सीट्स कम होंगी और ट्रैवलर्स ज्यादा होने के कारण डिमांड बढ़ेगी और टिकट प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे। इसलिए यूएई ने भारत से रिक्वेस्ट करके कहा कि यूएई की एयरलाइंस को भारत में और भी फ्लाइट्स ऑपरेट करने की परमिशन दी जाए यानी यूएई की एयरलाइंस भारत और यूएई के बीच और भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स को ऑपरेट कर पाएं। टू बी प्रिसाइज यूएई ने इंडिया यूएई सेक्टर के लिए यूएई की एयरलाइंस के लिए एडिशनल 50,000 सीट्स पर वीक बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी लेकिन मोदी सरकार और द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यूएई की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर लिया है और यूएई की सीट्स बढ़ाने से मना कर दिया है और न ही यूएई और भारत के बीच कनेक्टिंग फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि रिसेंटली भारत की एयरलाइंस ने प्लेन्स के बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस किए हैं। इसके अलावा और भी भारत की एयरलाइंस प्लेन्स के बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस कर रही हैं जो कि पाइपलाइन में है। रिसेंटली भारत की कुछ एयरलाइंस अभी अभी इस मार्केट में एंटर हुई हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने अपने देश की एयरलाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही मुश्किल फैसला लिया है ताकि भारत की एयरलाइंस को थोड़ा सपोर्ट मिले। आज यूएई की एयरलाइंस को ज्यादा सेक्टर्स करने दिए, उनको ज्यादा सीट्स अलॉट कर दी तो इंडियन एयरलाइंस के पास बहुत ही कम कस्टमर बचेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी इस फैसले से टिकट प्राइसेस थोड़े हाई रहेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे इंडियन एयरलाइंस के पास प्लेन्स की संख्या बढ़ेगी वो इंटरनेशनल रूट के ऊपर ज्यादा सेक्टर्स करेंगी। इससे न सिर्फ टिकट प्राइसेस डाउन आएंगे बल्कि भारत की एयरलाइंस का रिवेन्यू भी बढ़ेगा और अगर भारत की एयरलाइंस का रिवेन्यू बढ़ेगा तो भारत की एयरलाइंस के ग्लोबल लेवल के ऊपर सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने अपनी डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री के हित में ये फैसला लिया है जिससे यूएई को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। खैर, क्या प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के स्टाइल से आप संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।